हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मजेदार नई रेसिपी के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम घर में मुरमुरा तो खाते ही हैं, उसी मुरमुरे के ऊपर आप थोड़ा सा दही घोल के डालिए। यकीन मानिए, आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने से बच जाएंगे और आप कभी भी इस रेसिपी को बाहर से नहीं लाएंगे। और ये पैसे आपके बहुत सारे कैसे बचेंगे, उसके लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो फ्रेंड, मुरमुरे की रेसिपी जितनी ज्यादा टेस्टी है, बनाने में उससे ज्यादा आसान है, खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। तो चलिए, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप लिया है मुरमुरा, जिसको लाई भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे वेट ने मुश्किल से हमारा 5 ग्राम है, नाप में 1 कप है। आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो जितनी मात्रा में बताएंगे उतनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी और काफी ज्यादा मजेदार बनेगी। तो चलिए, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से कि आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और जहां से भी देख रहे हैं जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको थैंक बोल सकूं डियर। तो चलिए, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, बस इतना काफी है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, अपने मुरमुरे को इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे सेकने से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा और दूसरी बार नाश्ता हमारा बहुत ज्यादा क्रंची बनेगा। तो यहाँ पे हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से मुरमुरे को रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है और दूसरी बार इसको छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमारे मुरमुरे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मुरमुरा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और उसके अंदर अपने मुरमुरे को ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे देखिए, सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सौंफ, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाट मसाला, और इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको हम पाउडर बना लेंगे। तो चलिए, पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से हमारा इस तरह से पाउडर बन जाता है दरदरा सा, क्योंकि हमने पोहे को अच्छे से भुना था, तो पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक आलू को कच्चा आलू लिया है। तो इस रेसिपी में आप कच्चे आलू का इस्तेमाल करेंगे तो गैस की बचत है, टाइम की बचत है। तो जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और कुछ भी ना होने देने के लिए, तो एक कच्चा आलू उठा के और मुरमुरा उठा के और दही उठा के आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पानी में इसलिए डाला है ताकि आलू काला ना पड़े। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और ये जो सबसे बारीक वाला जीरो साइज वाला ग्रेटर होता है, इससे हम आलू को ग्रेट करेंगे। इससे हमें पतले पतले लच्छे मिल जाएंगे और रेसिपी हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आलू को आपको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ही लेना है, मैश करके या पीस के नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेटर से मैंने अच्छे से इसको ग्रेट कर लिया है। आलू के लच्छे देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से पतले पतले और एकदम छोटे छोटे से मिल गए हैं, बारीक बारीक से। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना मुरमुरा, जिसको हमने पीस के रखा था, सारा का सारा डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मुरमुरा डाल दिया है और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे, जिससे हमारे नाश्ते का लुक भी बढ़िया आएगा और टेक्सचर भी बढ़िया आएगा। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते को बहुत ही ज्यादा अंदर से खस्ता बनाने के लिए सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सेमिनार बोलते हैं, हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी लिया है, जो अगर वेट ने बताओ तो मुश्किल से हमारी 20 ग्राम है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है।
क्योंकि हमारा जो मुरमुरा होगा वो काफी ज्यादा पानी सोखता है, तो इसीलिए हम शुरुआत में पहले डाल के इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कितना पानी इसके अंदर जाएगा, फिर हम आगे पानी डालेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि सूजी और मुरमुरा जब फूलेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ 2 से 3 चम्मच बचा है, वो भी शायद आगे लग जाए। तो यहाँ पे हम इसको 5 मिनट का रख देंगे ताकि सूजी बेसन और मुरमुरा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और इसका टेक्सचर बिल्कुल चिकना हो जाए। तो चलिए इसको 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर अपने मुरमुरे को ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया था और उसमें मैंने आधा कप पानी डाल के इस तरह से इसका हमने घोल रेडी कर लिया है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आधा नींबू का रस जरूर डाल दीजिएगा, उससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा और दही डालने से काफी ज्यादा पौष्टिक भी बनेगा और नाश्ता हमारा अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप दही और पानी मिला के लिया है और यहाँ पे हम इसको इस तरह से डाल के रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूल रहा हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी हो इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे, ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है और ये चटनी को आप सांभर के साथ, सॉरी इडली के साथ और डोसे के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और जो नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्या आइए आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है, जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है, टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे तब भी काम आपका चल जाएगा, तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे, डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकेंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर, और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे क्या आइए आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे शुगर जिसको चीनी बोलते हैं शक्कर बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का
जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये देखने में चटनी जितनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी खाने में उससे ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो तड़का मारने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़कर ले लिया है। और फिर उसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे एक चुटकी हींग और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है। तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, यहाँ पे देखिए घोल बिल्कुल अच्छे से फूल गया, इस तरह से गाढ़ा हो गया। अब यहाँ पे हमारे जो आलू के लच्छे थे वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम किचन के बेसिक मसाले डालेंगे जो हर किचन में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी आपको थोड़ी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लालपन जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं। आप नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम कुछ थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे जिससे ये रेसिपी काफी ज्यादा हेल्दी बनेगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप आलू और प्याज के साथ ही इस रेसिपी को बना सकते हैं, इसमें से प्याज डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वेजिटेबल डाल देंगे तो बच्चे खा भी लेंगे और हेल्दी बन जाएगा और टेस्टी बनेगा। तो चलिए वेजिटेबल डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच टमाटर लिए है जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, ना इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाले। टमाटर डालने से ये नाश्ता काफी ज्यादा टेस्टी बनेगा। एक चम्मच गाजर को इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। वेजिटेबल आपको सिर्फ एक एक चम्मच डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी। यहाँ पे मैंने प्याज को 2 चम्मच को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। आप इस पे वेजिटेबल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल दीजिएगा, जो ना पसंद हो उसको निकाल सकते हैं। और अब नाश्ते को काफी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसको वापस से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अब चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। डियर तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके उसमें 1/2 टीस्पून तक ऑयल डाल देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं डियर कसूरी मेथी को। और अब इसके बाद अपना बैटर इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसको बनाते समय आपको ख्याल ये रखना है जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि आपका मिश्रण बिल्कुल भी जले ना। अगर आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का शौक है तो आपको 100% एक्सपीरियंस भी होगा, तब आप इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से हल्के बर्तन में बना पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 मिनट के बाद ही इसका जो टेक्सचर है वो पूरा बदल गया है, इस तरह से बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगा है। यहाँ पे हमें इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, बस हल्का सा ये जो गीला था बिल्कुल अच्छे से पक जाए और इस तरह से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगे। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल अच्छे से ये पक गया है। यहाँ पे हमें इसको सिर्फ 80% ही कुक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो 80% मिश्रण है वो पक गया है और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह से जब ये बिल्कुल अच्छे से सिमट जाए और पैन छोड़ने लगे तब आपको इसे बंद कर देना है। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगी। थोड़ा सा गर्म है मिश्रण को इस तरीके से ले लीजिए और इसके गोले बनाइए। गोले में अगर बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से गोला बनना है, तो समझ जाइए परफेक्ट है।
अगर गोले में क्रैक आ रहे तो थोड़ा सा और पकाइए। तो चलिए इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये ठंडा होगा दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, यहाँ पे मुरमुरा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी के जार में सारा का सारा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी बस 1 से 2 चुटकी, थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा सौंफ 1/4 चम्मच तक, और फिर इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे जिससे हमारी रेसिपी काफी ज्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से तोड़ के डालना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। फिर 3 कलियां लहसुन की जिसको हम छिलके के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा लहसुन नया है, 4 से 5 कड़ी पत्ते और 1 इंच का अदरक डाल देंगे। और यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, बारीक वाली या मोटी वाली जो भी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। आप इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से बिना पानी डाले पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस जाता है। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर अपने पेस्ट को ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 से 15 सेकेंड जिसे हमारा ये एक्टिवेट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए बताते हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, और 1 ग्रीन चिली को डाल देंगे। और एक ही डायरेक्शन में इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से फेटेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर प्याज या और कोई सब्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाने से पहले एक बार इस तरह से फेंट लेंगे। तो आप इसको चम्मच से बना सकते हैं लेकिन इसका जो मजा है वो हाथ से बनाने में ज्यादा आएगा। तो तेल बिल्कुल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको डालना है, और डालते ही तुरंत चलाने की गलती नहीं करनी है, पहले इसको पकने देना है। जब ये कुक होने लगेगा तो इसकी पहचान ये है कि अपने तरफ आने लगता है यानी ऊपर की तरफ आने लगता है। ये देखिए, तो आप अपने बर्तन के हिसाब से इसमें डालिएगा। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारे बना सकते हैं, फैला हुआ बर्तन लेंगे तो काफी बना पाएंगे। अगर छोटा बर्तन ले रहे हैं तो एक बार में उतना डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। ये देखिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप एक बार बनाओगे तो आपका दिल बार बार इसको बनाने के लिए करेगा। बहुत ही कम सामान में बन जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये अंदर से कुक नहीं होंगे और जालीदार नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहले डाले थे वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह इस तरह से फूलने लगे हैं और ऊपर की तरफ आने लगे हैं। अब हम इसमें और नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी इतनी क्षमता है पकाने की। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर उसके बाद टर्न करेंगे। तो इसकी पहचान ये है कि जब ये पकने लगते हैं तो अपने आप ऊपर की तरफ आते हैं। जब आप इसको डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि नीचे बैठ रहे हैं, जैसे ये पकने लगेंगे ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आने लगेंगे, तब इसको हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल रसगुल्ले की तरह फूलने लगे हैं। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए। तो यहाँ पे हम इसको एक साइड, अभी ये सॉफ्ट है तो इसलिए आप इसको या फिर नाइफ से या फिर चिमटे से पलट दीजिए। चिमटे से बहुत ही आसानी से पलट जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आपस में चिपके, लेकिन जैसे ये कुक हो जाएंगे ऑटोमेटिक अपने आप अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको पलट देना है और दूसरे साइड भी इसे 2 मिनट पकाना है। टोटल इसको बनने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इसको जब भी आपके पास बेसन ना हो, आलू ना हो,
तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि ना ही हमने इसमें बेसन डाला है, ना ही आलू डाला है और ना ही हमने इसके अंदर कोई और चीज डाली है, सिर्फ चावल के साथ इसको बना के रेडी किया है। पोहा डालने से ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए, दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से डन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया खिले खिले से बन गए हैं, बहुत ही ज्यादा जालीदार बने हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, देख सकते हैं इसका रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। ये देखिए, लग रहा है ना कमाल, देखते ही तुरंत खाने का मन कर रहा होगा, तो जरूर बनाइएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे, कितने कमाल के बनने हैं। और दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी भी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितना जरा फूला फूला सा बना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कितना जरा क्रिस्पी है, काफी जरा जल रहा है, बहुत जरा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जालीदार है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से जालीदार बना है, और इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है मैं आपको क्या बताऊं। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत जरा क्रिस्पी है और ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी, चाहे आप अभी खाइए चाहे आप बाद में खाइए। अंदर से देखिए कितनी ज़रा सॉफ्ट है, जालीदार है। और यहाँ पे अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए जो घर में बना सके आप, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी को हम साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ही कमाल है, एक से बढ़कर एक है। आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डियर मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर देना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। तो चलिए दूसरी वाली बना लेते हैं। डियर मैंने रोटी वाला चकला ले लिया, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको हम इस तरह से चकले को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो हमारा मिश्रण था इसको हम रख लेंगे और इस तरह से हम इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से मस लेंगे और मसल मसल के बिल्कुल एकदम गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा कि नाश्ता हमारा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही प्यारा सा हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे आप बेलन भी ले सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं, तो बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना बेलन पे। और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे और ऑयल लगा लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है डियर, तो यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं साइडों से। ये देखिए एकदम चिपक जाएगा और जब बिल्कुल आसानी से छूट जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया। अब आप इसको चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें पहले इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसके बाद आप इसको चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, फोर एंगल भी बना सकते हैं। तो मैं इसको कैसे बना रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मिश्रण हमारा कितना बढ़िया तरीके से सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको इस तरह से कट कर लूंगी पहले और फिर इसको इस तरह से फोर भाग में डिवाइड कर लूंगी और अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको हल्का हल्का सा इस तरह से इसको कर लेना है ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, सुंदर सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत ज़रा मोटा या बहुत ज़रा पतला नहीं रखा है, इस तरीके से इसकी थिकनेस रखी है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा, सभी को बहुत मज़ा आने वाला है खा के। तो देखिए जब आप ऑयल लगा लेते हैं तो इसको निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से निकल जाता है। और इस तरह से हल्का हल्का सा साइडों से कर देंगे तो ये परफेक्ट शेप का हो जाएगा और जो इसके किनारे हैं निकले हुए वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। तो ये नाश्ता हेल्दी होने के साथ साथ बाहर के समोसा और कचौड़ी से ज़्यादा टेस्टी है और दूसरी बात ये मैदे से नहीं बना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मिश्रण बचा हुआ था इसका हम दूसरा शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से ले लेना है, गोल कर लेना है, फिर इसको हम इस तरह से सिलेंडर का शेप दे देंगे
और फिर इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा चकले पे रख के रोल कर लेंगे, है ना कमाल का। तो कोई भी शेप आपको पसंद हो आप उसी शेप का बना सकते हैं इसको डियर। तो फ्रेंड कैसी लग रही है आपको हमारी ये मजेदार सी रेसिपी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है, तो चलिए ये वाला भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से चकले पे हल्का सा कर देंगे तो जिससे क्या होगा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रख दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं इसे शलो फ्राई कर रही हूँ। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिएगा, उसके दो फायदे होंगे, एक बार में आप पूरा नाश्ता एक बार में बना पाएंगे, बहुत ढेर सारा नाश्ता एक बार में बन जाता है, और पैन एक बार गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा तो आपकी गैस भी बच जाएगी, है ना। कमाल की टिप मैंने आपको दी है, तो मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, कम टाइम में नाश्ता भी बन जाएगा, गैस भी बच जाएगी और काफी ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमने हथेली को रखा है, गर्माहट बिल्कुल अच्छे से लग रही है। तो अपने तैयार नाश्ते को बिल्कुल प्रेम पूर्वक प्यार से बहुत ही आराम से डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, और लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये फट जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे पकाइए, 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। और आप इसके सामने डियर समोसा क्या कचौड़ी भूल जाएंगे। आप एक बार इस रेसिपी को बनाइए और मजे से खाइए, आप मुझे याद करेंगे कि आपने क्या रेसिपी देखी है और कितनी मजेदार रेसिपी देखी है। तो रेसिपी में खाने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब यहाँ पे हम इस तरह से चिमटे से इसको पलट देंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है एक साइड से, और यहाँ पे हमें चिमटे से इसको पलट देना है और दूसरे साइड भी से 2 मिनट पकाना है। टोटल इसको बनने में मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि जो हमारा मिश्रण है उसको हमने पहले से पका के 80% रखा है। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हुए इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जरा भी जो तेल है वो बिल्कुल भी हमारे नाश्ते में ना रहे, सारा का सारा तेल निकल जाए। ये देखिए लग रही ना बहुत ही कमाल की रेसिपी, बिल्कुल टेम्पटिंग रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और जो हमारा ये वाला था ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। बस एक बात का ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और एक बार में उतना डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो चलिए बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इस तरीके से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे तो बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है रुई जैसा। यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है, बहुत ही कमाल की चटनी के साथ ये रेसिपी लगती है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे तो ये चटनी जरूर बनाएंगे। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए दूसरा वाला भी दिखा देते, ये भी बहुत ही कमाल का बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है रुई जैसा, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली है जो आपको लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। आप इसमें चीज को भी डाल सकते हैं, मुझे चीज पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं डाला है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।